तो दोस्तों आज के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया में दोस्तों आप सभी को ही पता है कि 5G आ चुका है। एयरटेल और जियो का जो है वो मोस्टली सिटीज़ में जो है वो 5G अवेलेबल हो चुका है और लोग दोस्तों 5G यूज़ भी कर रहे हैं। पर दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को ये दिक्कत आ रही है कि उनके पास दोस्तों 4G फ़ोन है और वो 5G यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अब दोस्तों इंडिया में ऐसा नहीं है कि आपको 5G स्मार्टफोन्स नहीं देखने को मिलते। इंडिया में दोस्तों बहुत से ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो 5G है, पर दोस्तों ज़्यादातर जो स्मार्टफोन्स है वो तो मतलब यहाँ पर महंगे हैं जो 5G वाले हैं। और दोस्तों जो सस्ते वाले स्मार्टफोन्स है, सस्ते से मेरा मतलब यहाँ पर दोस्तों ये है कि जो 15,000 या फिर 16,000 की रेंज में स्मार्टफोन शुरू होते हैं। अभी दोस्तों एक सैमसंग का स्मार्टफोन जो है वो रिसेंटली लॉन्च हुआ है करीब 13,000 का, तो वो एक अच्छा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। पर बाकी दोस्तों जो 5G स्मार्टफोन्स है 15-16 हज़ार की रेंज में, उसमें आपको जो है वो मतलब इतने अच्छे स्पेसिफिकेशंस नहीं देखने को मिलते। अब दोस्तों इसी कमी को पूरी करने के लिए वीवो अपनी वीवो T2 5G सीरीज जो है वो इंडिया में लॉन्च करने वाला है। दोस्तों वीवो T2 5G सीरीज़ की यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि इस सीरीज़ में आपको दोस्तों दो स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे। जैसा हमें नाम से ही पता चलता है कि सीरीज़ होने वाली है, इस सीरीज़ में दोस्तों आपको जो है वो दो स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला होगा दोस्तों यहाँ पर वीवो T2 5G और दोस्तों जो दूसरा स्मार्टफोन होगा वो यहाँ पर होगा वीवो T2 X 5G। तो ऐसे दो स्मार्टफोन्स आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में जो है वो बात करने वाले हैं, देखेंगे कि इस स्मार्टफोन में आपको क्या स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। ये रूमर स्पेसिफिकेशंस है दोस्तों, और ये स्मार्टफोन्स जो दोनों स्मार्टफोन्स है वो किस प्राइस में इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं, तो इसी के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। अगर आप दोस्तों वीवो T2 5G सीरीज़ में जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो को दोस्तों हम यहाँ शुरू करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वीवो T सीरीज़ की, तो दोस्तों लास्ट ईयर करीब मेरे हिसाब से अप्रैल या फिर मई में वीवो ने अपना वीवो T1 लॉन्च किया था। वीवो T1 स्मार्टफोन में आपको उसमें भी आपको एक 5G वेरिएंट देखने को मिलता था। इसमें दोस्तों आपको एक वीवो T1 X स्मार्टफोन नाम से भी एक स्मार्टफोन देखने को मिलता था जो अभी भी फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। पर्सनली दोस्तों मुझे जो है वो वीवो T1 X स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन लगा था। वो स्मार्टफोन दोस्तों 4G है, पर स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से वो अभी भी एक काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें वीवो T2 5G सीरीज़ की, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये इसमें जो है आपको दो स्मार्टफोन्स देखने को मिलने वाले हैं, और दोनों के दोनों ही दोस्तों स्मार्टफोन्स में आपको जो है वो 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों ये दोनों ही स्मार्टफोन्स मतलब यहाँ पर वीवो T2 5G सीरीज़ का जो है वो टीज़र फ्लिपकार्ट पर जो है वो ऑफिशियली आ चुका है, और यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर मतलब कुछ टीज़ कर रहा है वीवो। यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोस्तों वीवो ने यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले, कैमरा एंड प्रोसेसर को यहाँ पर थोड़ा टीज़ किया है। टीज़ मतलब यहाँ पर ऑफिशियली बताया तो नहीं है, यहाँ पर दोस्तों वीवो ने बताया है हमें कि यहाँ पर दोस्तों वीवो 5 अप्रैल को दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो है वो डिस्प्ले रिवील करेगा, 7 अप्रैल को इस स्मार्टफोन का कैमरा रिवील करेगा, और दोस्तों 9 अप्रैल को इस स्मार्टफोन का प्रोसेसर जो है वो वीवो जो है वो मतलब बताएगा। तो यहाँ पर आपको जो है वो टर्बो मतलब यहाँ पर अगर आप देखें इस टीज़र को, मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा आपको, तो इस टीज़र में जो है वो ज़्यादातर वीवो जो है वो टर्बो डिस्प्ले, टर्बो प्रोसेसर और टर्बो कैमरा, यहाँ पर मतलब दोस्तों टर्बो इस चीज़ को जो है वो वीवो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब प्रमोट कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों वीवो T सीरीज़ का मतलब यहाँ पर टर्बो भी हो सकता है। अब दोस्तों इसके अलावा तो हमें अभी तक ऑफिशियली जो है वो वीवो की तरफ से और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, पर अगर दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँ लीक्स की, तो दोस्तों आप सभी को ही पता है कि लीक्स जो है वो काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स की आती रहती है, तो वीवो T2 5G सीरीज़ की भी यहाँ पर लीक्स आ चुकी है, तो वो लीक्स मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वीवो T2 5G स्मार्टफोन से। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले प्रोसेसर के बारे में अगर हम बात करें, तो इस स्मार्टफोन में ऐसा बताया जा रहा है कि आपको जो है वो स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो दोस्तों स्मार्टफोन है वीवो T2 5G। अब दोस्तों ये प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 695 हमने दोस्तों बहुत से स्मार्टफोन्स में देख रखा है। रिसेंटली दोस्तों जो पोको का स्मार्टफोन है पोको X5 वो भी इसी प्रोसेसर में जो है वो लॉन्च हुआ है। अब दोस्तों ये प्रोसेसर जो है वो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। अच्छी बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि ये प्रोसेसर दोस्तों 5G को भी सपोर्ट करता है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें 695 की, इस प्रोसेसर के साथ वाले जो स्मार्टफोन्स है वो लगभग दोस्तों आपको जो है वो 17,000 या फिर 18,000 की रेंज में आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें GPU की,
तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको जो है वो एड्रीनो का 619 GPU देखने को मिलता है। इसके साथ दोस्तों अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में, तो ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इस इमेज में कि यहाँ पर जो है वो कैमरा भी जो है वो वीवो ने या फिर कहे फ्लिपकार्ट ने टीज कर दिए है। तो यहाँ पर हमें दोस्तों इस इमेज में दिख रहा है कि इस स्मार्टफोन में आपको जो है वो डुअल कैमरास देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें से जो प्राइमरी कैमरा होगा वो दोस्तों 64 मेगापिक्सल का होगा वीवो T2 5G स्मार्टफोन में। और दोस्तों यहाँ पर ऐसा भी बताया जा रहा है कि 64 मेगापिक्सल में आपको जो है वो OIS का भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है। OIS का दोस्तों यहाँ पर मतलब ये है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। तो दोस्तों 16 से 17 हज़ार या फिर 18 हज़ार की रेंज में अगर इस स्मार्टफोन में जो है वो OIS हमें देखने को मिलता है तो ये काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर हो सकती है। अगर दोस्तों आप वीडियोग्राफी में दोस्तों इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियोग्राफी वाले लोगों के लिए दोस्तों ये स्मार्टफोन जो है वो एक अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट्स की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है वो दो वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला होगा 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज, यहाँ पर दोस्तों आपको 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज वाला वेरियंट भी देखने को मिल सकता है। और दोस्तों इस स्मार्टफोन की अगर प्राइस के बारे में बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि 20,000 के अंदर आपको जो है वो Vivo T2 5G स्मार्टफोन जो है वो इंडिया में देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें Vivo T2 X 5G के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको जो है वो डायमेंसिटी जो MediaTek डायमेंसिटी 700 जो प्रोसेसर है वो आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा Vivo T2 X 5G स्मार्टफोन में। अब दोस्तों ये प्रोसेसर जो MediaTek डायमेंसिटी 700 है ये हमने बहुत से फोन्स में जो है वो देख रखा है। प्रोसेसर दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों इस स्मार्टफोन की अगर मैं एक्सपेक्टेड प्राइस बताऊँ जो कि होने वाला है Vivo T2 X 5G जो कि दोस्तों Vivo T1 X का जो है वो सक्सेसर होगा, तो इसकी प्राइस दोस्तों मेरे हिसाब से दोस्तों 15,000 के जो है वो नीचे ही आएगी। और 15,000 के नीचे डायमेंसिटी 700 एक अच्छा प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर दोस्तों 5G को भी सपोर्ट करता है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें Vivo T2 X के रैम एंड स्टोरेज वेरियंट्स की, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको जो है वो 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज वाला वेरियंट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर दोस्तों जो बेस वेरिएंट होगा मेरे हिसाब से आपको जो है वो 4 GB रैम 64 GB या फिर 128 GB के साथ जो है वो एक बेस वेरिएंट भी 4 GB रैम के साथ जो है वो देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें Vivo T2 X 5G स्मार्टफोन के प्राइसिंग के बारे में, तो जैसा मैंने आपको बताया कि 15,000 के नीचे इसकी प्राइस हो सकती है। और यहाँ पर दोस्तों मोस्ट अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन जो है वो ये हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बाकी हमें जो है वो चीज़ें नहीं पता है कि इन स्मार्टफोन्स में हमें जो है वो डिस्प्ले कौन सा देखने को मिलेगा, यहाँ पर एमोलेड होगा या फिर नहीं होगा, ये तो अभी हमें नहीं पता है। इसके अलावा दोस्तों अगर इन स्मार्टफोन्स के बारे में अगर मैं थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, तो यहाँ पर दोस्तों आपको वाटर ड्रॉपलेट नॉच को मिल सकती है जो कि हमें इस टीजर से ही देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों इन स्मार्टफोन्स में आपको एंड्रॉइड 13 देखने को मिल सकता है, और वही दोस्तों वीवो का जो है वो फनटच OS यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको डुअल कैमरास भी देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों मेरे हिसाब से जो Vivo T2 X 5G स्मार्टफोन होगा उसमें आपको जो है वो 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है, पर जो इसका बड़ा भाई है Vivo T2 5G उसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। अब दोस्तों ये दोनों ही स्मार्टफोन्स एक 20,000 के अंदर होगा और दूसरा मेरे हिसाब से 15,000 के नीचे। यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो दोनों ही स्मार्टफोन आपको 20,000 के नीचे देखने को मिलेंगे, इतना आप यहाँ पर समझ लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या ये स्मार्टफोन जो है वो इंडिया में मतलब चल सकते हैं मेरे हिसाब से, तो यहाँ पर अगर मैं मेरी बात करूँ तो दोस्तों Vivo T1 सीरीज जो है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चली थी और बहुत ज़्यादा मतलब ये स्मार्टफोन जो है वो बिके थे। अब दोस्तों Vivo T2 सीरीज भी मेरे हिसाब से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसकी जो है वो डिमांड काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है वो सेल हो सकती है। और अगर दोस्तों ये दोनों ही स्मार्टफोन जो है वो 20,000 के अंदर लॉन्च होते हैं तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स हो सकते हैं। जो दोस्तों Vivo T2 5G स्मार्टफोन है वो यहाँ पर डायरेक्ट कॉम्पिटिशन मेरे हिसाब से देगा iQOO Z7 को, और दोस्तों पोको का जो पोको X5 है वो भी इसी रेंज में आपको देखने को मिलता है, तो उसको यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन दे सकता है। Vivo T2 X 5G स्मार्टफोन है वो दोस्तों जो 13,000 अभी अभी जो Redmi Note 12 लॉन्च हुआ है उसको यहाँ पर कॉम्पिटिशन दे सकता है, और Realme 10 को भी यहाँ पर कॉम्पिटिशन दे सकता है। हालाँकि दोस्तों Realme की Narzo सीरीज जो है वो इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है, तो उसके ऊपर मैं कल वीडियो बनाऊंगा। आज के वीडियो में हम जो है वो Vivo T2 सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इन स्मार्टफोन के लॉन्च डेट के बारे में, तो ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों कि ये स्मार्टफोन हमें जो है वो मिड अप्रैल में जो है वो इंडिया में देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों ये स्मार्टफोन जैसे ही लॉन्च होते हैं मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों आप मुझे जो है वो ट्विटर पे भी फॉलो कर लीजिए, जैसे ही दोस्तों इस स्मार्टफोन के बारे में और जानकारी आती है तो मैं सीधा आपके साथ जो है वो ट्विटर पर शेयर कर दूंगा।
ट्विटर का मेरा हैंडल दोस्तों TechSnoop3 ये है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर दोस्तों अपकमिंग मोबाइल्स और स्मार्टफोन रिलेटेड जो है वो वीडियोस लाते रहते हैं, और भी दोस्तों हम टेक्नोलॉजी रिलेटेड अपडेट्स रिलेटेड जो है वो वीडियोज़ लाते रहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ कल रियलमी नार्जो स्मार्टफोन के रिलेटेड वीडियो लाऊंगा उसमें। तो थैंक यू।